हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इस अगले वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वीबीटी यानी के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्टिंग में सिंपल जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स थे H2O, NH3, CH4 या जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स थे उनकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई थी और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी थी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो स्ट्रक्चर थी वो शुरू शुरू में नॉन नहीं थी। साइंटिस्ट इनकी स्ट्रक्चर और इनकी प्रॉपर्टीज इनकी डिटरमाइन नहीं कर पाए थे, इसीलिए इनको स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते थे। ये नाम इनका इसीलिए पड़ा था। अब इनकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए वीबीटी जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए लाइनस पॉलिंग ने दी थी उसको एज इट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे भी अप्लाई किया गया, तो वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइनस पॉलिंग की ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन और ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग तो इसका मतलब यह हुआ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सेंट्रल एटम अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन करता है और हाइब्रिडाइजेशन से बने हुए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो जो सराउंडिंग एटम्स होते हैं उनके ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सेम पॉइंट को अप्लाई किया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर कि मेटल के जो वैकेंट ऑर्बिटल हैं वो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जितने की हमें क्या चाहिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। वो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल लिगेंड के फिल्ड ऑर्बिटल से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं और इस ओवरलैपिंग से जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जिसमें लिगेंड केवल डोनर एटम का काम कर रहा है, तो ये बॉन्ड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और इस तरह से मेटल और लिगेंड के बीच में ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एंड their overlapping with the filled orbital of ligand. अब कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं इसके लिए वीबीटी में बताया गया है। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है तो हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है sp3d2 या फिर d2 sp3। तो इस केस में स्ट्रक्चर होगी ऑक्टाहेड्रल। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इस केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो स्ट्रक्चर होगी स्क्वायर प्लेनर। यदि sp हाइब्रिडाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 2 है तो स्ट्रक्चर होगी लीनियर। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन के टाइप पर स्ट्रक्चर डिपेंड करती है वो कौन सी स्ट्रक्चर होगी। अब हम लोग वीबीटी में बॉन्ड किस तरह से बनता है ये तो हम देख ही चुके हैं कि मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स जितने की उसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने हैं उतने हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन के बाद वो लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ऑक्टाहेड्रल से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल में हमने अभी देखा कि दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, d2sp3 या फिर sp3d2। इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए, D2 यहां हम पहले लिख रहे हैं बाद में sp3 लिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इनर डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं, अंदर वाले जो शेल है उसके डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं उसको हम लोग बोलते हैं n-1d। यहां पर जो s है वो ns है और p है वो
एनपी ऑर्बिटल्स है। यदि यह 3डी ऑर्बिटल्स है तो यह 4s हो गया और यह 4p हो गया। इसी तरह से sp3d, इसका क्या मतलब हुआ यह भी हम लोग देखते हैं। इसमें ये जो डी है ये आउटर ऑर्बिटल के आउटर शेल के डी ऑर्बिटल्स हैं। यदि यहां पर 4s हुआ 4p होगा और ये जो डी है वो nd होंगे, यानी कि ये भी 4d होंगे। तो इस तरह से यदि nd डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं बाहर के ऑर्बिट के, तो उसे हम लोग बोलते हैं sp3d2। और उसके यदि उस केस में अंदर वाले शेल के डी ऑर्बिटल यानी कि n-1d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये ऑक्टाहेड्रल में दोनों हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले तो वीबीटी में मैग्नेटिज्म कैसे देखते हैं। वीबीटी में मैग्नेट कंपाउंड का मैग्नेटिज्म देखने के लिए हमें यह चेक करना होता है कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद में उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। यदि यह है तो सब्सटेंस होगा पैरामैग्नेटिक। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। यदि यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो, यदि यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कंडीशन में है कॉम्प्लेक्स उसमें मेटल में, तो उस सिचुएशन में यह होगा डाईमैग्नेटिक। तो इस तरह से वीबीटी के अकॉर्डिंग हम लोग मैग्नेटिज्म का एक्सप्लेनेशन करते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक, यदि मेटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है हाइब्रिडाइजेशन के बाद में तो उसे हम लोग बोलते हैं डाईमैग्नेटिक। ये तो हुई मैग्नेटिज्म की बात। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर और हम लोग यूज लेते हैं, देखते हैं, वो इन हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 और sp3d2 से रिलेटेड है। यदि अंदर वाले शेल जैसे कि यहां पर 3d है तो n-1d यदि d ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहे हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये सिर्फ और ऑक्टाहेड्रल के लिए है, ये हो गया हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यदि बाहर वाले यानी कि nd ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जो जब आउटर डी ऑर्बिटल यूज करते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने के चांसेस होते हैं, उस केस में हम इनको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। और जो लो स्पिन होते हैं उनको स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये 3-4 टर्म है वीबीटी में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड। इनर ऑर्बिटल जब हम लोग n-1d ऑर्बिटल यूज ले रहे हैं जब d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जब sp3d2 यानी कि बाहर वाले d ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। और इनर ऑर्बिटल के केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होता है लो स्पिन, और इनके केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं या मैक्सिमम हो सकते हैं, उस केस में इनको बोलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो इस तरह से ये वीबीटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। अब हम लोग वीबीटी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वीबीटी का जब कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर तो एक क्वेश्चन रेज होता है। वो क्वेश्चन ये है कि मेटल ने लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हुई, मेटल डोनर यहां पर लिगेंड है तो यहां पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, लिगेंड जितने भी हैं उन सब ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो मेटल के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना चाहिए। तो वो नेगेटिव चार्ज किस तरह से न्यूट्रलाइज होगा उसके लिए वीबीटी में एक एक्सप्लेनेशन दी गई कि यहां पर बैक बॉन्डिंग होती है। बैक बॉन्डिंग का मतलब ये हुआ कि मेटल सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड से इलेक्ट्रॉन यूज एक्सेप्ट कर रहा है और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। अब मेटल के जो फील्ड ऑर्बिटल हैं, ध्यान से सुनिए, मेटल के फील्ड ऑर्बिटल लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करते हैं जिससे पाई बॉन्ड बनता है, और इस केस में डोनर मेटल होता है और लिगेंड एक्सेप्टर होता है, तो ये पाई बॉन्ड बनता है।
तो इस तरह की बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग होती है, जिसमें मेटल के फील्ड ऑर्बिटल हैं और लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिगेंड से मेटल की तरफ आ रही थी, अब वो वापस डाइवर्ट हो गई है मेटल से लिगेंड की तरफ थ्रू दिस पाई बॉन्ड। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, और इसकी हम लोग डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो VBT में लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने पर जो इसके ऊपर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो कैसे न्यूट्रलाइज होता है, इसके लिए बैक बॉन्डिंग और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, बैक बॉन्डिंग और इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी। थैंक यू वेरी मच।